तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवा सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज आपकी डिमांड पर मैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का आपका क्लास ट्वेल्थ का सेट टू का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करवाते हैं, बहुत ही डिटेल में कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। इससे पहले मैं बता दूँ कि सेट वन का मैंने कराया है और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने कराया है। ठीक है, तो वो जरूर देख लीजिए आप लोग, है ना, उसके बाद ही सेट टू की तरफ आगे बढ़िएगा। और पता होगा कि पिछले साल इकोनॉमिक्स का बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला ये चैनल है, तो ये चैनल काफ़ी पुराना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको, जरूरी चीज़ कि टेलीग्राम ग्रुप में 2000 से ज़्यादा बच्चे इस साल जुड़ चुके हैं। ठीक है, 2000 से ज़्यादा बच्चे, और पिछले साल 1200 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ से 75% से ज़्यादा नंबर लाया, तो इस बार भी 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या फिर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से नहीं जुड़ पाते तो यहाँ पर अभी दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग टेलीग्राम खोल के इसको खोज के जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो दोनों ग्रुप से जुड़ जाना। और मैं बता दूं कि टेलीग्राम में जुड़ के बाद दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन से सभी का नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ जाना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, कि पहला क्वेश्चन है कि आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। तो क्या सत्य है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है, कि आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से है ना, आदर्शक अर्थशास्त्र तथ्यों पर आधारित होता है, आदर्शक अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है, और देखिए आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। तो देखिए फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बाकी जो आपको दिख रहा है कि क्या से है, वास्तविक आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण से है, तो ये सब देखिए आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से आते हैं, मतलब कि सकारात्मक अर्थशास्त्र से आता है। याद रखिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है, मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो आपका तथ्यों पर आधारित है ना। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का आपको क्या कह सकते हैं, कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है कि व्याख्या करता है ना, जबकि देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए कि व्याख्या करता है। तो याद रखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है की व्याख्या करता है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या होना चाहिए इस पर व्याख्या करता है। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है, तो आज से डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। इसका याद, इससे अलावा ये भी याद रखिए कि नॉर्मेटिव सकारात्मक अर्थशास्त्र जो होता है ना, वो बयानों को वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया जा सकता है, साबित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ये सभी खासियत है कि तथ्यों पर आधारित है, ये सत्य और असत्य दोनों हो सकते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कभी भी सत्य असत्य नहीं हो सकते, ये राय पर आधारित होती है। ये याद रखिएगा, ये रायों पर आधारित है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज़ है, इंपॉर्टेंट, अगर आप ये याद रखिएगा तो आंसर इस तरह से टिक कर पाओगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स राय पर आधारित है, वो राय पर आधारित नहीं है, वो तथ्यों पर आधारित है। सत्य और असत्य वहां पे हो सकते हैं, लेकिन ये राय कभी भी सत्य असत्य नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक तरह से आपकी राय हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है ना, तो ये प्रामाणिक है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो प्रामाणिक है ना, और वो परिप्रेक्ष्य उद्देश्यपूर्ण होता है उसका, जबकि मानक अर्थशास्त्र जो होता है, मतलब क्या, आदर्शक, उसमें व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, सिर्फ उसमें राय होता है, अपना आप व्याख्या करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, मैं उदाहरण दे के समझा देता हूँ, कि अगर जैसे कि आपको उदाहरण में देना चाहूँ तो बेस्ट उदाहरण क्या रहेगा मैं सोच रहा हूँ, तो आप ऐसा उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी तथ्य कि अभी जनसंख्या कितना है, जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर कंट्री कौन है, तो चाइना आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2050 तक इंडिया चाइना को, इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा, तो ये एक राय है, ये आपका चल जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एक राय है एक तरह से। जबकि अगर बोला जाए जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर कौन है, तो चाइना है, ये एकदम सरासर सत्य है, तो वो आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं में
किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। बाजार शक्तियों, यहाँ पे ध्यान देना, तो सभी का अगर ऑप्शन नहीं जानोगे तो किसका क्या काम है तो नहीं मार पाओगे। समाजवादी का क्या, सुन लीजिए पहले, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, सरकार करती है, याद रखिएगा सरकार करती है ना। और इस तरह से व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर किसका नियंत्रण रहता है, सरकार का रहता है। पूंजीवादी देख लो, ठीक है, पूंजीवादी समझ लो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है ना, तो पूंजीपतियों का रहता है मतलब एकाधिकार रहता है ना, सरकारी हस्तक्षेप इसमें बहुत ही कम रहता है और व्यक्तिगत इसमें मतलब कि व्यवस्था में दबाव रहता है, ठीक है, उसका मतलब कि उसमें क्या कहते हैं, नियंत्रण रहता है। अब देखो केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ये क्या है, तो बी का ऑप्शन आपका एक मिश्रित होता है, एक चीज़ मिश्रित भी होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और एक मिश्रित होता है। तो मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में होता है कि आपको पूंजीवादी और समाजवादी दोनों, मतलब कि आपका सरकार का भी नियंत्रण रहेगा कुछ क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में, और उस पर सार्वजनिक और निजी, और जो निजी रहेगा पूंजीपति उसका भी एक अधिकार रहेगा। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि जिसमें केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है, तो बाजार शक्तियों द्वारा किसमें होगा, जिसमें एक अधिकार रहेगा, तो 2 का 80 हो जाएगा, पूंजीवादी जो मैंने बताया कि जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम रहता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादातर रहता है, अधिकतम रहता है, और मिश्रित में दोनों रहेगा, सरकार का भी और पूंजीपतियों का भी, तो याद रखना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप याद रखोगे तभी आप लोग एग्जाम में टिक कर पाओगे। अब जहाँ पे सरकार की जगह अगर आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जहाँ पे केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्ति द्वारा न होकर यहाँ पे सरकार दे देगा, तो फिर टिक मारना समाजवादी। जब बोलेगा दोनों रहेगा तो मार देना कौन, अभी मैंने बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो इस तरह से याद करना। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी और विवर्तित होने का क्या संबंध है, देखो पहले आप समझो कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र है क्या है कि दो वस्तु अगर है, जैसे कि आटा है इधर, और सॉरी अगर इधर गेहूं है और इधर चावल है, ठीक है, गेहूं कैसे लिखेंगे, गेहूं, हाँ गेहूं और चावल, तो इसका एक वक्र खींचा जाता है, इसका मतलब कि दोनों का आपको निकाला जाता है वैकल्पिक, कितने वैकल्पिक संयोगों को, मतलब कि ये अधिकतम उत्पादन के लिए संयोग बनता है, ठीक है, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो भी वैकल्पिक संयोग बनते हैं उस पर जो वक्र खींचा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। तो याद रखिए जैसे कि अगर इसका मैं सेट बनाऊँ कि अगर ये 0 रहेगा तो ये 40 kg इसका उत्पादन किया जा सकता है, इसका अगर 10 kg करता हूँ तो ये 25 kg उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है, इसका अगर मैं 15 करूँ तो इसका 12 कर सकते हैं, इस तरह से करके जो सेट बनता है कि इसका उत्पादन इतना होगा तो ये, इसका उत्पादन होगा तो ये, तो इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे त्याग भी करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे अगर 10 करेंगे तो यहाँ पे 15 kg चावल का आपको त्याग भी करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज़ होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसमें क्या होता है, याद रखिए कि उत्पादित हो सकने वाली दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को दर्शाने वाली तालिका उत्पादन संभावना वक्र तालिका कहलाती है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा परिभाषा भी आपको बताता चलूँ। तो देखिए ये जो आपको खींचा जाता है, इसका जो वक्र अगर खींचा जाए तो ये वक्र हमेशा ऐसा खींचा जाता है, याद रखिएगा कि हमेशा डाउनवर्ड खींचा जाता है, और ये मुख्य जो अक्ष होता है, मुख्य अक्ष को लेकर ये अवतल होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष की ओर ये अवतल होता है, देखिए यहाँ पे अवतल है, धंसा हुआ है बाहर अंदर की ओर, तो ये अवतल होता है। तो याद रखिए जब बाढ़ या फिर कोई तरह का पुरानी तकनीक का प्रयोग या फिर संसाधनों का ह्रास, ये सारी चीज़ अगर यूज होगा तो जो उत्पादन संभावना वक्र वो और अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो संभावित जो उत्पादन शक्ति है ना, वो भी कम हो जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे 40 और ये 0 यूज हो रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 0, मतलब दोनों खा जाएगा, ठीक है। याद रखिए मैं किस पर बोल रहा हूँ, अगर ये ह्रास रहेगा या पुरानी तकनीक का या बाढ़ का, मतलब वो उत्पादन संभावना वक्र को अंदर की ओर धंसाएगा, बाईं ओर धंसाएगा, तो याद रखिए कि बाएं ओर जब धंसाने का बात होगा तो बाढ़, पुरानी तकनीक या ह्रास, ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब नेगेटिव चीज़ें होंगी, जब पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जब उत्पादन बढ़ेगा तो ये दाईं ओर वक्र भागेगा, तो याद रखिए दाईं ओर जाएगा तो आपका बढ़िया होगा और बाईं तरफ जाएगा तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ को दिखाता है, तो यहाँ दाहिनी ओर विवर्तित हो रहा है, मतलब बढ़िया बढ़िया कुछ होगा, तो क्या होगा, तकनीकी विकास होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि उत्पादन संभावना वक्र जब भी बाईं ओर जाता है तो कुछ गलत गलत होता है, जैसे अगर रहता है यहाँ पे कि बाईं ओर विवर्तित होता है तो यहाँ पे बाढ़ ऑप्शन सही हो जाता, संसाधनों का ह्रास सही होता, लेकिन जब दाहिनी ओर जब बोलेगा तो याद रखिएगा अच्छा अच्छा कुछ हो रहा होगा और उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया उस पर बेस्ट ये क्वेश्चन है कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है तो धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या है, ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 120 क्विंटल गेहूँ। ठीक है, क्योंकि 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूँ के उत्पादन का त्याग कर देता है, तो त्याग जितना करता है वही उसका अवसर लागत कहलाता है। याद रखिएगा कि धान उत्पादन करने के लिए कितना का अवसर लागत उसके पास है, तो 120 क्विंटल गेहूँ। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जितना का वो अवसर लागत, मतलब जो अवसर उसे प्राप्त हुआ उसके लिए क्या लागत उसको लगा, तो अवसर प्राप्त हुआ है 100 टन का, लेकिन लागत अवसर लागत कितना हो जाएगा 120 टन का। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्या लिखा हुआ है, अधिमान क्रम क्या होगा। तो देखिए, सब जो बेस्ट रहेगा, अभी मैंने बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र में अधिकतम को लिया जाता है, तो अधिकतम जो रहेगा, जो सबसे अच्छा रहेगा, उसी को सबसे आगे रखेंगे हम। तो सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है, सबसे अच्छा हमको दिख रहा है ये सी नंबर, फर्स्ट नंबर इसको हम दे देते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए, उत्पादन संभावना वक्र में हम इसको रखेंगे सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर में इसको, तो जहाँ सी बी ए रहेगा वही आंसर रख देंगे। तो सॉरी सी वन ये है, ये टू है, और ये थ्री रखेंगे, सी ए बी रहेगा वो ठीक रहेगा। तो देखिए, सी ए बी हमको यहाँ दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सबसे अधिकतम यहाँ होगा, फिर उससे थोड़ा कम यहाँ होगा, उसके बाद सबसे कम यहाँ होगा, तो सी फिर ए तब बी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि समस्तशास्त्र में अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। समष्टि अर्थशास्त्र आपका यहाँ पे याद रखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पे सामान्य पर बात किया जाता है, मतलब आपको जहाँ पर पूरा मतलब कि केंद्रीय समस्याओं को जहाँ पे फोकस किया जाता है, जबकि व्यष्टि समस्तशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका किसी फर्म आधारित या किसी एक को ऊपर फोकस करके उस पर अध्ययन किया जाता है, उस पर मतलब कि राय बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखो, एक उपभोक्ता का संतुलन, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर चल जाएगा, एक का बात हो रहा है, एक फर्म का संतुलन तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर चल जाएगा, एक वस्तु के कीमत निर्धारण तो ये किसी एक का जब यहाँ पे हो रहा बात तो व्यष्टि में चल जाएगा, लेकिन सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण ये पूरे हॉल मतलब कि पूरे केंद्रीय समस्याओं पर बात किया जा रहा है, मतलब सभी को इससे इफेक्ट पड़ेगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में जिसको अधिकतम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, और व्यष्टि सिर्फ एक पर बात करता है। आगे देखो, पूछ रहा है किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई, जहाँ पी भी एक अतिरिक्त इकाई रहेगा, तो याद रखना सीमांत में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, सीमांत में। ठीक है, तो एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। ठीक है, सेवन का सी, जब भी एक से परिवर्तन करते तो क्या अंतर आता है, ये अगर पूछा जाए तो सीमांत उपयोगिता में जाएगा। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, देखो जब उत्पादन अधिकतम चला जाएगा 15-20 जो भी रहे, तो उसके बाद तो सीमांत उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो सीमांत उपयोगिता का मान जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद तो बढ़ नहीं सकेगा उसका उपयोगिता, तो उपयोगिता जब बढ़ नहीं पाएगा तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अपने एंड की ओर बढ़ गया है, तो उससे ज़्यादा और भी उसका उपयोग नहीं लिया जा सकता है। जब उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी तो सीमांत उपयोगिता मतलब एक और अधिक अति मतलब कि सीमांत उपयोगिता का अभी आप लोग डेफिनेशन ऊपर पढ़ें, क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन, तो एक अतिरिक्त परिवर्तन अब हो पाएगा जब अगर अधिकतम हो गया तो नहीं हो पाएगा, तो जीरो रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आपको बनाने होंगे। ठीक है, चलिए 9th नंबर में बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो उदासीनता वक्र कैसे खिंचाता मैं बता देता हूँ। ठीक है, दो वस्तु के लिए गुड वन मतलब वस्तु एक और वस्तु दो, दोनों के लिए ऐसे खिंचाया जाता है, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं जिसको, ऐसे ऐसे करके वो खिंचता है मतलब कि खिंचाता है। तो याद रखिए क्या कि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और क्या क्या याद रखिएगा कि उदासीनता वक्र बाएं, ये बाएं साइड को बाएं से दाएं और गिरती है, बाएं से दाएं और गिरती है, याद रखिएगा। उदासीनता वक्र मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु की ओर उत्तल लेंस जैसा है ना, तो क्या हो जाएगा, उन्नतोदर होता है, ये लिख सकते हैं। याद रखिए कि ये कभी भी लंबवत नहीं होता है, मतलब कि ऐसे करके सीधा नहीं रहेगा उदासीनता वक्र, या फिर क्षैतिज भी नहीं रहता, ये हमेशा ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर ही संभव है, यह भी आपको याद रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर ही संभव होता है। दोनों वस्तुओं की कीमत अस्थिर होने पर भी यह संभव है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें उपभोक्ता विवेकशील होता है, विवेकशील मतलब समझ रहे हैं, जिसमें विवेकशीलता का अर्थ हुआ कि अपने स्तर का अधिकतम प्रयोग वो करना चाहेगा, है ना, अपना अधिकतम उपयोग लेना चाहेगा किसी वस्तु का, ऐसा नहीं है कि वस्तु का कोई भी अपना जब तक उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वस्तु का यूज करेगा, तो ऐसे करके इंडिफरेंस कर्व खींचा जाता है। तो
थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का मैं बता दे रहा हूँ, पेपर थोड़ा टफ होता है, ये मत सोचना कि इकोनॉमिक्स आसान सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है तो सभी तरह की मेहनत करनी होगी। तो जितना भी मैंने बताया उसमें से देखिए ये भी सही था, ढाल ऋणात्मक थी, मैंने एक डीवाई बाई डीएक्स अगर कैलकुलेट करोगे तो ऋणात्मक आएगा, ऐसे देख पा रहे होंगे ढाल ऐसे करके, डीवाई बाई डीएक्स आपका नेगेटिव जाएगा। आगे देखो उदासीनता वक्र उत्तल होता है, यह भी मैंने बताया सही है, और समसंतुष्टि संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, हाँ संतुष्टि भी चाहिए तो ये भी सही है, लेकिन दोनों प्रतिच्छेद करती है मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों प्रतिच्छेद नहीं करती, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत कथन है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ कंप्लीट भी करते चलना। आगे देखो 10 में पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि हो जाती है और उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी आ जाती है तो मांग की कीमत लोच, तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला ईडी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद रखिएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन परिवर्तन लिख लीजिए ऊपर आप, और कीमत में आप लोग कॉपी निकाल के बैठा कीजिए नहीं तो दिक्कत होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, कॉपी निकाल के सारी चीज़ें लिखिए, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ये आपको लिखना है। तो मांग में देखिए प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो मांग में 8 दिए तो 8 लिखेंगे, कीमत में 4 तो काट दीजिए तो कितना है 2 आंसर आया, 4 × 2 = 8, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11th में नंबर देखिए पूछ रहे एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी, तो बजट रेखा भी मैंने आपको बता देता हूँ कि बजट रेखा में क्या होता है, कि बजट रेखा में कैसा परिवर्तन आएगा अगर दाहिनी ओर विवर्तित होगा, ऐसे करके वस्तु वन और इधर वस्तु वन, ये भी आपका एक तरह से दो वस्तुओं के संयोग से खींचा जाता है बजट रेखा अधिकतम के लिए। तो देखिए बजट रेखा ऐसा आएगा, ठीक है ये बजट रेखा, तो जब 20 रुपये, ये आप बात करने के लिए जब यहाँ पे आए 10 था, ये आए जब 20 रुपया था तब ये खींचा गया, आए 20 रुपया यहाँ पे, ठीक है 20 रुपया, लेकिन जब आए 40 रुपया हो जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये आए 40 हो जाएगा, आए 40, तो आप देख रहे हैं दाहिनी ओर विवर्तित हो गया, पहले जो लाइन ऐसे था अब दाहिनी ओर जाके ऐसा बन गया है, तो ये क्या हुआ दाहिनी ओर विवर्तित हो गया। जब कब होगा, जब आपका बजट रेखा दाहिनी ओर विवर्तित कब हुआ, अभी मैंने आपको बताया तो 11 का D, जब उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वहीं जब कीमत एक्स की कीमत में कमी होगी तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपका जब दाहिनी ओर विवर्तित हो रहा है इसका मतलब वो आय में वृद्धि हो रहा है। आगे देखो ये पूछ रहा है कि निम्न रेखाचित्र में मांग रेखा AB, मांग रेखा AB है और जी पर मांग की कीमत लोच आपको पूछ रहा था, मैंने एक चीज़ बताया था कि ऐसे करके चित्र बताया था, या यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ये बीच में है तो यहाँ पे जी का मान 1 होता है, ठीक है ऊपर जाएंगे तो 1 से ज़्यादा होता है, यहाँ अनंत होता है और यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 से कम हो जाएगा, ठीक है तो 1 से कम कौन सा ऑप्शन है, ये मैंने पिछले सेट 1 में भी कराया था तो आप लोग देखे होंगे, तो 1 से कम हो जाएगा। आगे देखो पूछ रहा है कि उदासीनता वक्र, अभी मैंने बताया तो उदासीनता वक्र का सारा गुण बताया था मैंने कि एक उपभोक्ता संतुलन का शर्त क्या है, तो ये बजट रेखा को स्पर्श करे सही है, उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो सही है, और ये भी आपका सही है, तो आपको हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है 13 का D ऑप्शन सही हो जाएगा। 14th में देखो पूछ रहा है यदि उपयोगिता उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग में कमी आ जाती है, बोलता है जब उसका आय बढ़ता है तो वस्तु एक्स का मांग कम हो जाता है, तो याद रखिएगा जब भी आय बढ़ता है तो लग्जरियस चीज़, लग्जरियस मतलब कि जिसको बोलते हैं अच्छे वस्तु की मांग बढ़ जाती है, लेकिन घटिया वस्तु की मांग मतलब कि कम हो जाती है, जो आप पहले कम रुपए में खा रहे थे वो खाना बंद कर दीजिएगा। बात मैंने कोई मोटा अनाज कोई आदमी खरीद के खाता था तो इसलिए खरीद के खाता था क्योंकि पास उसके आमदनी नहीं था कि घर का खर्चा निकाल सके और अच्छे फसलों अच्छे आटा को ले सके, ठीक है अच्छे आटा या अच्छे अनाज को ले सके, तो वो मोटा अनाज से काम चला रहा था, लेकिन जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो इसको खरीदना कम कर देगा। तो इससे आप समझ सकते होंगे इसमें थोड़ा सा मांग का नियम लागू नहीं होता है घटिया वस्तुओं के लिए, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखो कि निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का संयोग है, तो पूरक वस्तु का संयोग यहाँ पे कौन दिख रहा है ना, चाय कॉफ़ी तो कंपैरिजन हो जाता है, तो यहाँ पे चाय और चीनी आपका हो जाएगा, बाकी सारे आपका मतलब कि कंपैरिजन वाला है मतलब कंपटीशन वाला है, ये मतलब कि संयोग पूरक नहीं है, संयोग पूरक आपका हो जाएगा चाय और चीनी, ठीक है। चलो 16 नंबर में बढ़ते हैं, 16 में पूछ रहा है कि यदि वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, तो इसका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि 16 का आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन लागत फलन कहते हैं उसको, है ना, किसी वस्तु के उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। 17 नंबर देखो, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर हैं जब, तो आपको भी मैंने बताया था कि सीमांत उत्पाद कहाँ से चेंज नहीं होता, तो जब दोनों अधिकतम मतलब अधिकतम होते हैं, औसत उत्पाद आपका अधिकतम होता है, तो 17 का D ऑप्शन हो जाएगा कि औसत उत्पाद जब अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, ठीक है याद रखिएगा इस चीज़ को। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि कुल लागत आपको दिया हुआ है कि
कुल लागत टीसी, उत्पादन की मात्रा क्यू, तो सीमांत लागत का सूत्र होगा। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा कुछ कुछ चीज़ें। तो 18 का देखिए मतलब फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू, है ना। क्या हो जाएगा, कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है, तो पैमाने का प्रतिफल संबंध किस काल से है, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ काल से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ काल से। आगे देखो, किस काल में उत्पादन के साधनों के स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है, तो किस काल में उत्पादन के, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेने हैं, पांचों सेट कंप्लीट करवा रहा हूं, तो सभी को कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। लेकिन बच्चों कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसका पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे पेपर ऐसे हैं जिसको अगर आप चाहोगे कि मैं मतलब कि पीडीएफ से तैयारी कर लूँ तो नहीं होगा बच्चों, इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखा करें, खास करके इकोनॉमिक्स लियो तो वीडियो पूरा देखा करो, सभी सेट पूरा कंप्लीट किया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं 20 नंबर क्वेश्चन में बता रहा था ना, 19 का मैंने बता दिया था दीर्घकाल, और 20 का देखो क्या होगा कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अल्पकाल में। तो अल्पकाल दीर्घकाल में जो रिलेटेड क्वेश्चन है देख लीजिएगा। 21st में देखो पूछ रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, तो कितने स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, 21st का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है, तो औसत उत्पाद की विशेषता कौन नहीं है, तो औसत उत्पाद देखो यहाँ पे परिवर्ती साधन की प्रति इकाई का उत्पाद कहा जाता है, है ना। तो 22 का देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, आपका विशेषता है परिवर्ती साधन की इकाई को बढ़ाने से औसत उत्पाद बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद घटने लगता है। औसत उत्पाद वक्र का आकार उल्टा यू के आकार का होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो आपका विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखो, जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में क्या होता है, 23rd का डी हो जाएगा, कमी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर, जितना भी उत्पत्ति के साधन दुगुना कर देने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा अगर सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि हो जाता है ऐसे कंडीशन में, 24 का ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहलाता है, कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, याद रखिएगा परिवर्तन की दर, समझ में आ रहा है, मतलब उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में, किसके सापेक्ष, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर, मतलब कुल आगम बटे उत्पादन, समझ रहे हैं, तो इसकी दर क्या कहलाती है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीमांत आगम, ठीक है। याद रखिए कि उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम की परिवर्तन की दर, मतलब एक से अंतर करना है, तो सीमांत आगम आपका 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 देखो पूछ रहा है कि कुल लागत टीसी तथा कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तन लागत टीबीसी के बीच क्या संबंध होता है, तो 26 का डी हो जाएगा, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर देखो, जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में होती है, तो संतुलन कीमत में क्या होती है, 27 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि होती है, याद रखिए जब वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है। यदि वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग अधिक की स्थिति को कौन दर्शाता है, तो ये सारे कंडीशन है बच्चों, अगर सभी को मैं बताते चलूँ तो 2 घंटे में भी ये पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, हमारे पास भी मजबूरी के हर चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे खोल कर नहीं बता सकता, टाइम की कमी रहती है, तो ये और बी और दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 28 का डी, आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा पहले से ही पढ़ के रखना होगा। किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि होगी, ठीक है। 30 में देखो, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो आपको पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर, याद रखिए कि पूर्ति का जब ये क्वेश्चन है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, और बटे में हो जाएगा आपका कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4/5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.8, तो कौन है 0.8, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो 31 में क्या पूछ रहा है, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में
वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? तो 31st का सभी ऑप्शन देख सकते हैं, सामी कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। हाँ ये ऑप्शन सही है और ये सारे बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है 32 में देखो मांग अधिक की स्थिति में सामी कीमत में, तो 32 का क्या होगा, मांग जब अधिक की स्थिति में क्या होता है सामी कीमत में, 32 का आपको देखिए ये हो जाएगा वृद्धि होगी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, तो 33 का ये हो जाएगा न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी की को का बढ़ता भाग, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ए और एमआर के बीच संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एमआर और एआर के बीच संबंध कौन सा होगा, एआर इक्वल टू एमआर आपका पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए। याद रखिए यहाँ पे कंडीशन भी आपको यहाँ पे याद रखना है, तभी ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है आगे देखो, समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता होती है, तो समरूप वस्तुओं की उपलब्धता 35 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की संरचना की विशेषता है। जब समरूप वस्तुओं की उपलब्धता रहेगी तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा। टीआर कुल आगम टोटल रिवेन्यू वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है याद रखिएगा 36 का ए हो जाएगा एआर कहा जाता है, कुल आगम वक्र की ढाल को, तो एआर का यहाँ पे आप याद रखिए किसको कहा जाता है। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, तो 37 का आपसे एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है एकाधिकार एक अलग तरह का आपका मतलब कि होता है कंडीशन, ये सारी कंडीशंस आपको याद रखने होंगे कि कौन से कंडीशन में क्या क्या आपका होता है, सभी को आपको याद रखना ही पड़ेगा, सभी को कंडीशन बना बना के याद करना होगा। ठीक है और कंपेरिजन कर करके अगर आप चार्ट बनाते तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। जब सीमांत आगम का मान शून्य है तो वस्तु की मांग की कीमत का लोच का मान क्या हो जाएगा 38 का वन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वन होता है। ठीक है जब सीमांत आगम, अभी मैंने बताया कि सीमांत आगम जब जीरो हो जाएगा तो अधिकतम हो जाता है ना, तो तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान एक हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है तो याद रखिएगा कि एक इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि एकाधिकार के अंतर्गत ए आर वक्र और एम आर के वक्र में क्या संबंध होता है, तो 39 का सी हो जाएगा ए आर ग्रेटर देन एम आर एकाधिकार के अंतर्गत में, याद रखिएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एक अधिकार के उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका से दर्शाया गया है, संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6। ठीक है आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है संतुलन की अवस्था में ये आपका होमवर्क है कि एक अधिकार के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी के निम्न तालिका से दर्शाया गया है, संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई उत्पादन करेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 6। ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है तो जहाँ पे भी सेम है, संतुलन की अवस्था में आपको मैंने बताया था कि एम आर इक्वल टू एम सी होता है, तो एम आर इक्वल टू एम सी आपको कहाँ पे दिख रहा है, आपका लास्ट में दिख रहा है। ठीक है तो यहाँ पे 6 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पादन की कितना उत्पादन करेगा, तो 6 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखो मैंने सभी सेट का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है। ठीक है सेट 2 तक करवाया सभी सेट का यहाँ पे करवाया जाएगा और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, जो कि परीक्षा के टाइम आपको इंपॉर्टेंट मतलब तैयारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप चाहें तो वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है लास्ट में पीडीएफ का यूज करना है, वीडियो को पहले नहीं, और सभी को आप लोग नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, सभी को शेयर जरूर कर दिया कीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद बच्चों।